सर्वे में हुआ खुलासा, पीएम मोदी की कुर्सी को मिला उत्तराधिकारी। पीएम मोदी की कुर्सी का उत्तराधिकारी योगी नहीं तो कौन? सर्वे में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों के नाम शामिल। जगह जगह चर्चा और राजनीति का बाजार गर्म है कि भारत में आखिरकार बड़ी कुर्सी का हकदार कौन है, जो देश ही नहीं बल्कि पीएम मोदी की तरह विदेशों में भी अपने सामने नतमस्तक कर सके। इसके लिए एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। उस बड़े इंतजार का अब ऐलान हो गया है। इसी बीच चौंकाने वाला सर्वे और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सीएम योगी इस दौड़ से बाहर है। फिलहाल सीएम योगी नहीं, मोदी के उत्तराधिकारी। इसमें चौंकाने वाला नाम सामने आया है। दरअसल पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन है? सर्वे में बीजेपी के ये बड़े बड़े तमाम नेता शामिल हैं। आगे हम आपको बताएंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सियासी जानकार इस चर्चा में जुटे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन है जो भारतीय जनता पार्टी में इस कुर्सी को संभालेगा, कौन बड़ा चेहरा है जो भारत को डंके की चोट पर चलाएगा। दरअसल दुनिया भर में बीजेपी समर्थक इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं। वहीं 10 साल से भी ज्यादा समय देश का नेतृत्व करना और अपने तीसरे कार्यकाल के अंत में पहले पीएम मोदी 75 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के लिए कौन सा विकल्प है, कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं। इसी बीच इंडिया टुडे के एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। इस फेहरिस्त में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिग्गज बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। वहीं इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम चर्चा में। हालांकि सबसे ज्यादा लोग किसे वोट दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। अगस्त के महीने में कराए गए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि पीएम मोदी के बाद कौन। इस सवाल के जवाब में करीब 25% से ज्यादा लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर 19% वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। वहीं तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहे। लगभग 19% लोगों ने योगी के पक्ष में सहमति जताई है, यानी योगी अमित शाह के 25% से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहे हैं। इस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री इस फेहरिस्त में अमित शाह के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नामों में शामिल है। सर्वे के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13% वोटों के साथ भाजपा पार्टी में शीर्ष स्थान के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा शख्स हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 5-5% लोगों ने पसंद किया है। हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप का हालिया सर्वे में अमित शाह सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी 25% की रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 के पिछले मूड ऑफ द नेशन के सर्वे की तुलना में कम है। ये सर्वे 15 जुलाई 2024 से अगस्त 2024 के बीच किया गया था। इसमें देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में 4591 लोगों ने हिस्सा लिया था। और बताते हैं कि इंडिया टुडे के ग्रुप का ये सर्वे 6 महीने में किया जाता है। पिछले दो सर्वे में 28% और 29% लोगों ने मोदी के बाद अमित शाह का नाम चुना था। पीएम मोदी का उत्तराधिकारी उन्हें ही माना था। अगस्त 2024 के सर्वे में पता चलता है कि दक्षिण भारत में 31% से ज्यादा लोगों का मानना है कि अमित शाह पीएम मोदी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री के कैबिनेट के रूप में अच्छे और सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं देश भर की कुल मिलाकर 25% सपोर्ट की तुलना में दक्षिण भारत की अमित शाह की 31% समर्थन बहुत ज्यादा है। अमित शाह की तरह योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी करने का प्रतिशत घटा है। अगस्त 2023 में योगी आदित्यनाथ का समर्थन घटकर 25% से फरवरी 2024 में 24% हो गया है। अब केवल 19% लोग ही उन्हें बीजेपी में पीएम मोदी के बाद उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। लगभग 13% लोगों ने नितिन गडकरी को एक संभावित विकल्प के रूप में चुना है। हालांकि अमित शाह और योगी की रेटिंग में गिरावट के साथ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि फायदा किसे हो रहा है। सर्वे में संकेत मिला है कि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में लोकप्रियता हासिल की है और उनका ग्राफ धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा एक नंबर पर अमित शाह को ही लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, जिसमें लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री वही बने। वहीं दूसरे नंबर पर लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए। वैसे यही सवाल आपसे पूछा जाए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, इसका विकल्प क्या है। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की तरह कोई नया प्रधानमंत्री देश चला पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए,